बैक टू माई चैनल। मेरा नाम प्रीति वारे। आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा फिश टेल साइड पोनी फिश टेल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ये ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसी लगी और आपसे बनी या नहीं बनी, और नहीं बनी वो भी बताइएगा, बन गई वो भी जरूर बताइएगा। एंड मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो को इन्जॉय कीजिए। पक्का जाइएगा और क्लिक कीजिएगा लिंक पे, और एंड जो भी उसमें बहुत इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बताई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल बताया हुआ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। एंड ब्यूटी टिप्स एंड जो प्रोडक्ट वगैरह की रिव्यू होती है वो भी मैं इसमें करते रहती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है सब कुछ ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सारी वीडियोज एंड तक जरूर देखा कीजिए। मेरी इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो इंस्टा पर भी जरूर जाइए और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए मेरी रील्स वीडियोज़ देखने के लिए। सेकेंड चैनल पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज डालते रहती हूँ, तो सेकेंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके आप इजिली मेरे सेकेंड चैनल इंस्टा आई डी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट ब्यूटी टिप्स सब पे जाके इजीली देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाहती हूँ। इसके बारे में मैंने बताया था, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। फेयरनेस बॉडी लोशन है, लाइट टच है, विटामिन B5 एंड विटामिन ई है इसमें, और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें मॉइस्चराइजर भी है और सन से प्रोटेक्ट करने का भी है। और इसको मैं लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, पहले मैंने बोला था कि मैं यूज करके बताऊँगी, बट मैंने इसको यूज किया है, ये अच्छा है, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। ये मुझे इस पर रेट जो दिया हुआ है वो 399 का है, यानी 400 रुपये में 1 रुपये कम है, बट मैंने इसको 150 में मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। आप चाहो तो इसको ले सकते हो और ये अच्छा है, मैंने इसको काफ़ी टाइम 1 मंथ हो गया यूज करते हुए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइजर है तो आप इसको बिना सोचे समझे ले सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो मेरी ड्राई है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो चाहो तो। ये वाला का ऐड आपने बहुत देखा होगा फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे, बॉडी लोशन करके है, लाइट टच फेयरनेस के लिए दिया हुआ है, 24 घंटे तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है ऐसा इस पर लिखा हुआ है, और मैंने ट्राई भी किया है तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा आईब्रो फिल एंड लिपस्टिक, डेली जो मैं अपना मेकअप करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बॉडी लोशन इस पर लिखा हुआ है, बट आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है अपनी आईब्रोज को फील करूँगी। आईब्रो फील करने के लिए मैं ये दो चीज़ें यूज कर रही हूँ, ये आईब्रो पेंसिल एंड ये है ब्रश, जो आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद उसको ब्लेंड करने में हेल्प करेगा। मेरी आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बट मैं अब गांव जाऊंगी तभी आईब्रो सेट करवाऊंगी अपना। इस तरीके से मैं आईब्रो फील करती हूँ, और आईब्रो फील करने में क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे नेचुरल लगेगा आपका आईब्रो, इन सब पे वीडियो डिटेल में डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इतना लगाने के बाद से ब्रश को लेंगे और सिंपली इसको मिक्स कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है। बस अपनी बिंदी लगाऊंगी और अपना लिपस्टिक जो भी शेड आपको चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा रेड लगा रही हूँ, वैसे मैं पिंक लगाती हूँ।
और ये हो गया मेरा डेली का मेकअप। डेली में मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल मैं आज साइड पार्टीशन से कर रही हूँ, आप चाहो तो मिडिल पार्टीशन से भी कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेंगे, ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पतला पतला सा सेक्शन लेके इस तरीके से इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। ओके, ऐसे ही बैक तक गूंथ के ले जाना है हेयर का। लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल लीजिए। बैक साइड के हेयर को ज्यादा नहीं पकड़ना है। इस तरीके से घूमते जाएंगे पूरे हेयर्स को। साइड फिस्टेल ब्राइड बता रही मैं आपको आज। इतना गूंथने के बाद इसको टिक टेक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। देन इस साइड के हेयर को भी वैसे ही गूंथेंगे। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल जैसे हमने इस साइड में फ्रेंच ब्राइड बनाई थी वैसे ही आपको इस साइड में गूंथते जाना है। थोड़ा थोड़ा लेयर देके मिक्स करते जाएंगे इसके साथ। इस तरीके से पूरा गूंथ लिया है। अब पूरे हेयर उसको एक साथ पकड़ लेंगे और एक पतला वाला रबर बैंड यहाँ पे लगाएंगे। ये क्लिप जो थी उसको निकाल देंगे।
इस तरीके से पकड़ेंगे, सॉरी मोटा दगड़ भी लगा सकते हो एंड बाद में उसको रिमूव कर देना इस तरीके से। ओके, अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करके पतला पतला सेक्शन लेंगे दोनों साइड से। बस एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे ऐसे ही पतला पतला सेक्शन लेके पूरा चोटी को बनाएंगे। जितना पतला आप कर पाओ उतना पतला लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका जो ब्रेड है वो। अब देख सकते हो कितना इजीली आपका ये हेयर स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। नीचे में भी आपको पतला ही रबड़ बैंड यूज करना है, मोटा वाला यूज नहीं करना है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा पूरा फाइनल लुक देखने के लिए। ओके, इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाएंगे, इस तरीके से रबर बैंड को पकड़े रहेंगे एंड थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का ऊपर की तरफ से, इस तरीके से लपेट देंगे एंड ये जो रबर बैंड हमने पकड़ा था उसके अंदर से इसको निकाल देंगे। ओके, रबर बैंड को हाइड कर देंगे और ये जो हमने रबड़ बैंड लगाया था इसको भी निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे जिससे कि जो हमारी चोटी है वो थोड़ी अच्छी दिखे। तो जिस तरीके का लुक आएगा इसको आप कुर्ती के साथ बना सकते हो, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। पार्टी वगैरह के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का इजी क्यूट फिश टेल पोनी टेल फिश टेल ब्राइड हेयर स्टाइल। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है ये हेयर स्टाइल सूट के साथ कुर्ती के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फेस्टल बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली सारे बालों की एक पोनी बना लीजिए और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बना के रबड़ बैंड को निकाल दीजिए और बहुत इजीली आप इस तरीके से फेस्टल हेयर स्टाइल बना सकते हो। बाय।